हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। देखिए, हम तो बार बार कहे हैं कि हमारे समाज में जब छोटा में बच्चा पैदा होता था तो उसको हरवाहा बोलते थे लड़का को, और लड़की को हम लोग रोपनी बोलते थे। लेकिन आज हमारे खेतों में हरवाहा का रोल खत्म हो गया, वहाँ ट्रैक्टर चला गया है। लेकिन रोपनी यानी रोपने का काम आज भी महिलाएं करती है। इसीलिए हम बार बार रिपीट किए, हजार बार रिपीट किए हैं कि इस आंदोलन का नेतृत्व महिलाओं को जाता है। मेरी माँ, बहन, काकी, जेठी, दीदी, भौजी, नूनी जो भी हैं, इस आंदोलन का नेतृत्व वे लोग कर रही हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर साफ शब्दों में कहेंगे, इस आंदोलन का नेतृत्व झारखंड में पहली बार कोई पुरुष नहीं, महिलाएं कर रही है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं महिलाओं ने देखा, क्योंकि वो घर को संभालती है, लेकिन घर को संभाल के कैसे हाथ लाती हैं, ना कोई उसका भाई हो, उसका पति हो, उसका चाचा हो, वो कहीं ना कहीं कुछ आर्थिक सहायता घर को करता है। वे लोग बाहर खट रहे हैं, कोई गुजरात में, कोई महाराष्ट्र में, कोई तेलंगाना में, कोई तमिलनाडु में है, और जो हमारे जो लोकल संसाधन है, लोकल जो कोलियरी है, वहाँ बाहर के लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो ये चीज़ें बेईमानी हो रही है, लगातार ये चीज़ें हम देखने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हमने देखा है, इन चीज़ों को समझा है, इसलिए आज हमारी माताएं बहनें भी हमारे साथ है, क्योंकि उन्होंने भी इस दर्द को देखा है। हमारे बीच दो नारी शक्ति भी, आप उनसे भी दो चार शब्द जरूर पूछेंगे। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मेरा सीधा संदेश होगा, इस लड़ाई का नेतृत्व माताएं बहनें ही कर रही है, महिलाएं ही कर रही है। क्या झारखंड में महिलाओं का संपूर्ण जो हक मिलना चाहिए वो क्या मिल रहा है? पूर्ण रूप से संपूर्ण अधिकार नहीं मिला है, लेकिन जो सरकारें बनी हैं उन्होंने अच्छा भी काम किया है, बुरा भी काम किया, जिसका विद्रोह भी हो रहा है। तो पंचायत चुनाव में लगभग 54% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, जिससे अब महिलाएं मुखिया बन रही हैं, सरपंच बन रही हैं, जिला परिषद बन रही हैं, वार्ड सदस्य बन रही हैं। और साथ ही मैं यह भी चाहूँगा कि अगर महिलाओं को उत्थान चाहते हैं तो विधानसभा में और लोकसभा में भी रोटेशन के माध्यम से महिलाओं की 33% भागीदारी कम से कम सुनिश्चित की जाए। और साथ ही जो भी बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ हैं जहाँ से लोग बाबू अधिकारी बनते हैं, वहाँ भी महिलाओं को कुछ ना कुछ परसेंटेज सुनिश्चित करना चाहिए, तभी महिलाएँ आगे बढ़ पाएंगी। क्योंकि आज भी हम लोग गाँव में रहते हैं, आज भी लोग इस हीन मानसिकता से जीते हैं कि मैंने महिलाओं को पर्दों में रखा जाए तो महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जाए। बावजूद इसके बेड़ियों को तोड़ते हुए महिलाओं ने उत्थान करने का काम किया है, बेटियां आगे बढ़ी हैं, लेकिन अभी भी सुधार की गुंजाइश है और सुधार होनी चाहिए। क्या इस आंदोलन के तहत महिलाओं के अधिकार की बात होगी? बिल्कुल बात होगी। जब नए झारखंड की हम बात कर रहे हैं तो महिलाओं की बात भी होगी, महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, महिलाओं का सम्मान होगा, उनके हाथों में नेतृत्व होगा। महिलाएं संसार चलाती हैं, महिलाएं सृष्टि को चलाती हैं, महिलाएं घर चलाती हैं, इसलिए महिलाएं इस आंदोलन का नेतृत्व भी कर रही हैं। और निस्संदेह महिलाओं को अग्रणी भूमिका रहेगी, ये हम बार बार देख रहे हैं और हमने बार बार भी कहा भी है कि महिलाओं उनको लेकर ये इस आंदोलन को है, और निस्संदेह जब नया झारखंड बनेगा उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा आंदोलन हमने पहली बार देखा जिसमें सबसे ज्यादा महिलाएं रोल निभा रही है, इसका क्या कारण है? कारण हमने तो आपको कहा, कारण है झारखंड की दुर्दशा, कारण है झारखंड में जो लगातार अतिक्रमण हो रहा है, झारखंड के लोग लगातार लूटे जा रहे हैं, झारखंड के लोग लगातार कूटे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भी हमारे लोगों ने देखा, हमारी माताओं बहनों ने देखा, और उन्हें इस दर्द का आभास हुआ कि कहीं ना कहीं हम लोग दर्द में हैं, हम लोग पीड़ा में हैं। इसीलिए आज महिलाएं सड़क में तभी आती है जब विपदा आती है, और भाषा पे विपदा आई है, हमारी माटी पे आई है, लैंड पुल बिल आता है जमीनों को छीनने के लिए, भाषा को छीनने के लिए, दोहरी भाषा को हमारे यहाँ हमारे समांतर लाई। इस आंदोलन में एक बहुत जोर शोर से एक नारा चल रहा है, खतियानी जोहार। ये खतियानी जोहार क्या है? देखिए, नारा बहुत सारा है, लड़के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड, इस तरह के नारा, उसमें भी एक छोटा सा नारा है, ऐसा कोई जोर शोर बात नहीं है, सबका अपना महत्व है। खतियान हमारी अस्मिता का सवाल है, बाकी बहुत सारा से नारा है, खतियानी जोहार, हुल जोहार, क्रांतिकारी जोहार, झारखंडी जोहार, जोहार उलगुलान, इस तरह के तमाम शब्द हैं जो इस आंदोलन को गति देने के लिए, इस आंदोलन में ऊर्जा का संचार करने के लिए लोग निर्माण कर रहे हैं। झारखंड की जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने कहा था कि 19 को 32 लागू हम लोग करेंगे, फिर भी आंदोलन क्यों चल रहा है? एक बात सीधी बात है, पिताजी ने अपने बेटे से कहा कि ए नूनू तोरा किनी देवो, थामना किनी देवो, लेकिन बच्चा जिद्दी होता है, जखन किनी देवी वो चुप हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार जब 1932 का खतियान नीति बन जाएगी, हम लोग आंदोलन छोड़कर किताबों को लिखेंगे, कलम पकड़ के अपनी कहानियों को लिखेंगे। इस आंदोलन में कहीं किसी पार्टी का हाथ नहीं है? नहीं, क्यों पार्टी का हाथ रहेगा? आपको अगर देखिए, कुछ दिन पहले, नाम नहीं लूंगा, एक पार्टी का शायद स्थापना दिवस था, 58 लोग पहुंचे थे, जबकि वह पार्टी के बड़े बड़े लीडर थे, लाखों करोड़ों कमाने वाले लीडर वहाँ पे गए थे। तो कहीं ना कहीं स्थापना दिवस था, लेकिन बावजूद इसके पार्टी के कार्यक्रम में 60 लोग नहीं आ पाते हैं, 70-50 लोग नहीं आ पाते हैं, और एक आह्वान में यदि लाखों लोग आ जाते हैं तो सीधा संदेश यही है कि भाई ये पार्टी की नहीं, लड़ाई माटी की है, किसी पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और सभी पार्टियों को झारखंड ने देखा, सभी ने सत्ता का मजा लिया, केवल और केवल ये अपना जेब, अपनी संपत्ति, अपने परिवार की संपत्ति भरने में व्यस्त मिले, झारखंड की सुख सुविधा से इन्हें कोई वास्ता नहीं।